This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू तो बिज़नेस टुडे मैं हूँ अली नासिर, जिन मौजूद के ऊपर हम गुफोग करते हैं जनाब वो है मुल्क की मीशत दुनिया की मीशत बिजनेस फाइनेंस इकानी और इसके अलावा डेली टाइम्स की चंद शह सुर्खियाँ जो कि अहम नौत के होती हैं और प्रोग्राम के मिजाज के हिसाब से होती हैं मेरे साथ मेज़बान मौजूद होते हैं जनाब जुनीद गुल साहब उनको वेलकम करते हैं वेलकम जनाब जुनीद गुलंक यू गुड मॉर्निंग इसके साथ नाजरीन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं आदा है और इसी के साथ ही जो है वो चंद ख़बरों की तरफ नज़र डालें तो उससे पहले जनाबे वाला जरा स्टॉक एक्सचेंज का बताइएगा क्या सूरत हाल रही जुने so uh, स्टॉक एक्सचेंज uh, की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र डालना असल में सुबह सुबह बड़ा जरूरी होता होगा अच्छा अच्छा यानी कि उनहत्तर पॉइंट का इजाफा हो गया

बहुत रही समीर बिजनेस मैन दुनिया के कॉर्पोरेट सॉरी कॉर्पोरेट लीडर दुनिया में अभी सुबह आ रहा था तो बैन जरा अबलाख पर यह बात आई तो एक सौ चालीस की रफ्तार पर वो जा रहे थे अच्छा।, अच्छा. तो मैं भी हमेशा मना करता कि गाड़ी को रफ्तारी ये मैं आपको तफसील बताऊँ मैं उसमें देख ही रहा था तो उसमें उसने कहा कि शायद इसकी भी एक वजह हो क्योंकि उनका शायद एनर्जी से भी कोई रबता था तो मैंने कहा शायद इसकी कोई वजह हो लेकिन तीन फीसद जो है वो जैसे आपने बताया कि उसमें ईरान का भी मामला है वो सर फहरिस्त हो सकता है लेकिन जहाँ तक मैं हमेशा मना करता हूँ मैं कहता हूँ भाई बर्क़ रफ्तारी से गाड़ी ना चलाया करें और ये बड़ा डेडली वेपन है गाड़ी बंदे के हाथ में तो अल्लाह से हमेशा जो है दुआ करनी चाहिए खैर खैरियत की आफियत की और जब भी सफर पर निकलें कोशिश करें कि अपने तमुल रखें घर के लड़ाइयों को ड्राइविंग पे ना निकालें लोगों के गुस्से पर और फिर उसकी वजह से जो है बहुत सारे मामला खराब हो सकते हैं सर आ, आगे आ, कोई माशी खबर बताएं सर मैं बताता हूँ आपको एक पेपर कर गया। जी जी कोई मसला नहीं अच्छा सर ये ऑनरेबल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी जनाब uh, वत्रा साहब जो है अशरफ महमूद वत्रा साहब अच्छा ही वॉज टॉकिंग टू द मेम्बर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड सम अदर

उस पर कट लगाए बगैर हमने जो है इसको बजट डेफिसिट कंट्रोल किया सर बजट डेफिसट जो कंट्रोल हुआ है उसी के नीचे एक और रिपोर्ट आई हुई है इसी ख़बर नीचे, हाँ, बताएगे, बताएगे। के नीचे बताइए जो कि पाक तो जो है वो इंटरनेशनल सॉरीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉ, पॉ, पॉलिस, पॉलिसी रिफॉर्म्स एक है वो इदारा उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट ज़्यादा की है उसमें वो कहते हैं कि जो हमारा बजट फिजिकल डेफिसिट पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बड़ा जोर रहा है गवर्नमेंट का और बिकॉज ऑफ प्रोविंशियल सरप्लस हम जो है अपना डेफिसिट कंट्रोल करने में काफ़ी काबू है बट दैट्स नॉट द वे टू कंट्रोल योर डेफिसट ठीक है सर आप प्रोवेंशियल अगर आप अपना बजट पूरा नहीं कर रहे तो जो उसके बाद उसके सरप्लस के होने की वजह से अगर आप डेफिसिट आप कंट्रोल कर रहे नॉट द गुड न्यूज दैट्स नॉट द वे टू कंट्रोल इट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जो है वो हमारे जो फॉर रिजर्व हैं वो बीस बिलियन पे वो सारे कर्जे लेके हमने किए हैं तो हाउ इज़ इट गुड न्यूज़ पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री सर ये है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है हमारी वो ये कह रहे हैं कि हमने उस पर कट नहीं लगाया अगर कट नहीं लगाया पब्लिक स्पेंडिंग पे हमने तो फिर ये स्कूल हॉस्पिटल्स और सब चीज़ें हमको नजर क्यों नहीं आती तो फिजिकली जो हमेशा नज़र नहीं आता और प्लस जो प्रोविंस है अगर अपना बजट सरप्लस करके उसको दिखा रहे हैं तो, तो डजेंट मेक सेंस तो जैसे आपने कहा कि सरजीदा प्रोग्राम है तो आपने बात कर दी संजीदाबादी बात के मुतालिक मैं कोई राय नहीं दूंगा मैं कल मैं मेरे पास एक गुंती -गुंती एक मैंने देखी yeah. तो मेरे, मैंने देखा के के मेरे थी, किसी की hmm. तो उसके बाद खीन थी उनसे वो पूछ रहे थे कि जो बिल आप अभी पास करवा के आई <laughs> exactly. ये ये इसमें है, क्या? है क्या? Exactly. उनको पता नहीं मेरे ख्याल से बासठ तिरसठ के ऊपर हर उस आदमी के किरदार पर उंगली उठा दी जाती है सादिक तो एक अलहदा चीज है अमीन भी तो कोई चीज होती है अमानत दारी है आपके आपको आवाम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान की मीशत हो या पाकिस्तान की सियासत हो उसमें आपको इजाज़त दी गई है कि आप कानून साजी करें और आप इतने नालायक हैं कि आपको पता नहीं है कि आप क्या बिल पास करवा के आए हैं तो ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल से असम्बली में बैठे नहीं होना चाहिए तब मेरा कोई इख्तियार नहीं है इसलिए मैं आगे चलूंगा सर तो इसी और... रिपोर्ट में जो है न जो मैं पढ़ रहा था खबर एक तो जो वत्रा साहब ने जो ऑप्टिमिज्म दिखाया है इस खबर का जो वो है हेडलाइन ही वो है वतरा वेब्स ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म तो अच्छी बात है ऑप्टिमिज्म से अगर दिखाने के लिए है तो अच्छी बात है ठीक है जी इट्स गुड टू मतलब बगैर सेल्फ डॉ इसमें एक और वहाँ के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सईद अहमद उन्होंने कहा है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका सरप्लस उन्होंने दिखाया है कि दे हैव लॉट ऑफ किस बिलियन रुपीज का सरप्लस है कॉरपोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में जो सारा इन्वेस्ट हो रहा है इन मार्केट ट्रेजिटेबल्स और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स

लोगों को परेशान ना करें पाकिस्तान की मई हमारी क्रिकेट टीम की तरह कामयाब जा रही है जैसे हमारी क्रिकेट जितनी शायद आफरीदी की बैटिंग कामयाब है ना उससे ज्यादा कामयाब हमारी है पहले तो जी नहीं चाहता था उसको छोड़ने का पहले तो सुबह शाम उसके नाम लेते थे उसके इस्तेमाल जुदा ब्रांड यूज करते थे आज उसका नाम नहीं लिया जा रहा जब मैं कहता था इसको क्रिकेट टीम से निकाल दो क्रिकेट को बर्बाद कर देगा

वन मिलियन दस लाख की जो बात कर रहे थे और जो दो सौ चालीस मिलियन रुपए इकट्ठे उन्होंने किए हैं ना दिस इज दिस विल इवन बेरली मीट द एक्सपेंसेस दैट एक्सपेंसिस मेड जो खर्चा इन्होंने सी कैंपेन पे और ये जो हाँ। सेमिनार्स पे जो वर्कशॉप्स पे जो सागदार की शक्ल दिखाने पर टीवी पे खर्चा हुआ है ये उसको भी कवर नहीं कर पाएगा हाँ हाँ फिर बताया संजीदा प्रोग्राम आगे चलो आगे चलो क्यों अपनी मुलाजमत तो खतरे में डालते ही हो आगे मेरी भी जो है वो चौबीस अच्छा तो 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 करोड़ रूपये चौबीस करोड़ रुपए जमा किए चौबीस करोड़ रुपए बस बस सिर्फ और उसके लिए इतना ढंडोरा पाकिस्तान की मई खतरे में डाल दी ट्रांजेक्शन टैक्स ड्रामा वो कहते हैं कुएं में चलांगे पहाड़ों से दोबारा से पॉइंट कर देंगे Tax. नहीं दोगे तुम तो इसमें नहीं आओ तो तो दोबारा वो कर देंगे यही नहीं पता कि वो फिर बैंक से काम करना छोड़ देंगे फिर काम में और कम हो जाएंगे ये फिर कहेंगे यार इन सी स्कीम ले लो यार्लीज <laughs> मतलब मेरे यकीन करें हजम होती नहीं क्योंकि मैं हमेशा से इस मुल्क के टैक्सीशन निज़ाम का नाकदूँ ये एक वेलफेयर स्टेट आप हमेशा कहते हैं ना मैं माजी में क्यों चला जाता हूँ यही बुनियादी देखें कायद आजम मोहम्मद अली जिना ने एक वेलफेयर स्टेट बनाया उस वेलफेयर स्टेट के अंदर फोकस क्या होना चाहिए वेलफेयर पर बिल्कुल जबकि यहां पर है स्टेटस को की प्रोटेक्शन के ऊपर सारा खर्च और मैं आपको सच बताऊं कि इस मुल्क का बुनियादी मसला फिर हम आगे चलेंगे अगली खबर पर मसला यह है कि इस मुल्क से हर आदमी ना, 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 नाश्ता गाता टकरे मारता मिली नगमे गाता फिरते जितने मिली नगमे गाते हैं अस्सी की दिहाई में जितने हमने बचपन में सुने सब कनाडा भाग चले गए जितने मिली नगमे गाया करते थे ना आपको याद होगा पूरा वक्त मर्द मोमिन मर्द हक़ हक के दौर में हर वक्त मिली नगमे चलते रहते थे जब मार्शा लगता था तब भी मिली नगमे वो जितने मिली नगमे गाने वाले हैं उन्होंने अक्सरियत जो है वो कैनेडा भाग चुकी है मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस मुल्क के अंदर क्या रोज़ाना की दिहाड़ी लगाने वालों से आगे बढ़कर कभी हम बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी हम कभी कॉल कर सकें काम मैं आपको यकीन से बताता हूँ इस ये अवाम ये कौम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं आप मुझे कहते हैं ना कि आप ये इस तरह की बात क्यों कर देते हो ये अवाम सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ ये अवाम सिंसियर ये बहुत बड़ी मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर मुझे बुलाया जा सकता है मैं साबित करके दिखा सकता हूँ ये आवाम ये कौम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है और जब तक ये अपने मुल्क से सिंसियर नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे ये सिर्फ रोजाना की दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं पहले ये गॉड सेव द क्वीन गाते थे अगले दिन सुबह जागे और इन्होंने पाक्सर जमीन गाना शुरू कर दिया यकीन करो वजन भी वही रखा है इस पर चाहो तो मुझे मारो चाहो तो मुझे मारो लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ कि ये मुल्क ये कॉम ये लोग अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है अपने आप से सिंसियर नहीं कभी कभार लोग कहते हैं यार यू आर नॉट सिंसियर टू योर सेल्फ दैट्स वाई आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन माय इन माय व्यू इस मुल्क की मीशत कभी आगे नहीं बढ़ सकती एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती ये लोग सिंसियर नहीं है यकीन करो और बहुत ज़्यादा जितना ये बात करते हैं ना ये कलेक्टिव इंटरेस्ट की हमेशा आपने देखा होगा कलेक्टिव इंटरेस्ट ये उतने ही ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में डूबे हुए लोग हैं सेल्फ इंटरेस्ट में डूबे हुए लोग हैं मैं अपनी कॉम के बारे में अपने बारे में बात कर रहा हूं अपनी जात को अलहदा रख के नहीं अपनी ज़ात को साथ रख के बता रहा हूं कि ये खराबियां मुझ में भी होंगी ये खराबियां दूसरे लोग बोलते हैं ना कि दूसरों में है हम में नहीं है मैं कहता हूं मुझ में है मैं आपकी बात नहीं करूंगा लेकिन मुझ में हैं हमें अपने मुल्क से सिंसियर होना है अगर हम चाहते हैं हमारा मुल्क आगे बढ़े हमारी मैशत तरक्की करेंटी मुझे एक चीज बताओ तो क्या कोई मतलब गुनाबेगा नहीं ये जो जितनी बातें आपने खबरें पड़ी क्या कोई गुनाब लजत लेगा बिला जाहरी नहीं नहीं की बात करते हैं बेचारा जिम्मेदार है पूरे पाकिस्तान को जो व्हाई का हाल हुआ क्या नवाज शरीफ जिम्मेदार है पूरे पाकिस्तान की सो का सर इनसे पहले भी तो लोग थे उनसे पहले भी लोग थे देखो मानना पड़ेगा ना आपको कि आवे का आवा हमने मैशत का बिगाड़ा तो, आप फाइव ईयर प्लान की बात करते हो फाइव ईयर प्लान तो कम्युनिस्ट कंट्रीओं में होता है यार। now they are on the helm of the affairs. So they should be doing the right thing. They came with a heavy mandate. How can Two they third do majority. it? Two-third majority. Why not, yar? देखिए वो पॉलिटिकल गिमिक था. लेकिन हकीकत था आपको और मुझे तो पता है ना पाकिस्तान की जेबें खाली. अगर मैं आज ये झूठ बोलूँ आके टीवी पर तो आपको यकीन करना ही नहीं चाहिए अगर मैं बोलूँ मुझे, मुझे वजीर खज़ा सर मैं मैं आपको बोलूँ मुझे वजीर आज़म बना दें मैं पाकिस्तान को दो दिन में ठीक कर दूँगा तो गलत है ना अगर मैं आपको आके ये बोलूं कि हाँ अगर वॉर फिटिंग पे काम करूं पाकिस्तान का कर्जा बीस साल में उतरेगा तो वो टेक भी नहीं पड़ेगा मुझे मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ ना तो उनको बोलना है ये उनको ये उनको गलत बातें करनी होती है। नहीं नहीं। अगर वो ना बोले मैं महीने के अंदर खत्म तो वो वो कोई वोट नहीं बोलना पड़ताल रिटोरिक होता है जो आते के साथी सर्कुलर डेट को रिटायर किया था बगैर किसी ऑडिट किया सब कुछ कर दिया चलो जी वो भी हो गया ठीक हो गया उसको इतना बड़ा कर्जा ले लिया उन्होंने आईएमएफ hmm. से 6.6 बिलियन का वो भी ले लिया hmm. वो भी ठीक हो गया मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि hmm. हम लोग की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है इट इज़ स्टेबलाइज ठीक है जी इट्स नॉट देर इज़ नो इमीजिएट थ्रेट टू पाकिस्तान इकोनॉमी ऑफ एनी डिफॉल्ट खुदा ना करे मगर अब जब स्टेबलाइज कर दिया हुआ है तो लेट्स बी नाउ दे हैव द टाइम टू बी सिंसेयर इस वक्त उनको सबसे बड़ा जो फायदा यार देखो आप जो कह रहे हैं ना पिछले लोगों ने भी किया है hmm. मेरे भाई सर जी पिछले लोगों के पास पेट्रोल चालीस डॉलर पे नहीं था अट्ठाईस डॉलर तक पे गया इनके जमाने में यार इन्फ्लेशन थ्री परसेंट पे नहीं थी किसी के जमाने में इम्पोर्ट बिल किसी के ज़माने में छह बिलियन डॉलर की सेविंग नहीं थी समझे सर तो ये जब अल्लाह ने इनको मतलब सीरियसली अल्लाह ब्लेसिंग दैट इनकी हुरानी में यह हो गया था सो दे हैड ऑल द चान्स नाउ आई विट अनफॉर्चुनेट्स देड वो टाइम गुजर गया इनका नाउ कैन नॉट डू मिस भी अगर थोड़ा सा अगले आने वालों रेवेन्यू कलेक्शन पर जोर डालें yeah. स्पोर्ट्स बढ़ाने में जोर डालें टैक्स मशीनरी को रिफॉर्म करें सिर्फ ग्रोथ स्टेबलाइज आईएमएफ प्रोग्राम के जरिए करना इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ अ गुड इकोनॉमी

नाजरीन वेलकम बैक आफ्ट ब्रेक गुफ्तु जारी थी ब्रेक पर जाने से पहले जुनेद गुल साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज के अंदर अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा अफराद पाकिस्तान के अंदर उनकी लंबी फहरिस्त का जिक्र कर रहे थे <laughs> बंद कर दो यार ये लंबी फहरिस्त के अंदर शायद आफरीदी को शामिल करो yeah, किसी एक्ट्रेस को please. शामिल करो ये किन लोगों को पसंद और नापसंद करना शुरू हो गया अच्छा मुझे शेसुरखी पढ़ने दो भाई सुप्रीम कोर्ट हेयर्स मुशरफ ई सी एल पटिशन टुडे आए सर कैसे हैं आप मैंने सुना आपने सेहत जो है वो थोड़ी सी खराब है वैसे इस उम्र के अंदर मेरी बात सुने जुनेद गुल सब थोड़ी थोड़ी सेहत ख़राब होती रहती है और ऐसे तो नहीं हो सकता कि परफेक्ट रहा जाए तो मतलब ये है कि देखो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें ये वही शख्स है मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि ये डरता वारता मैं किसी से नहीं हूँ ये सब चीज़ें चलती बलती नहीं है क्योंकि बात ये होती है ओल्ड एज जो है ना इज़ ए काइंड ऑफ अ टेस्ट एंड वन हैज़ टू एडजस्ट टू इट

<laughs> नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है वो तो उसको बहुत प्यार मिला है आफ्री को इंडिया में मेरे ख्याल वहीं उसको कहीं घर वर ले देना चाहिए कोलकाता में नहीं। नहीं। सर ये एक अहम खबर और भी है थ्री यूनिवर्सिटीज ऑन सी वेस्टर्न यूट आपका फेवरेट टॉपिक सीपेक सीपेक के वेस्टर्न रूट के ऊपर तीन यूनिवर्सिटियां जो है वो स्टार्ट फंक्शनिंग हो जाएंगी इस साल ये कहना है हमारे आपके फेवरेट आपके फेवरेट बहुत ही ज्यादा पसंदीदा प्लानिंग मिनिस्टर एस एस सर ठीक है आप मिस कर गए थे उनका नाम देखा मैं याद करा दिया आपका उन्होंने कहा तीन यूनिवर्सिटियां जो है वेस्टर्न रूट के ऊपर जो मुता हो जाएंगी और उसका बड़ा फायदा तो होगा हो लिखा हुआ हो, हो जाएंगी टाइम दिया है कोई नहीं नहीं दिस ईयर बोल दिया ना, तो दिस, सर, दिस, दिस, बोल दिस दिस सर बोल दिया क्लियर एक तो, तो आप मान दो हजार सोलह में फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन ये तो कभी सीपेक का हिस्सा ही नहीं थी हमें यूनिवर्सिटियों का ही नहीं था हमें तो बोला था फैक्ट्रिया मिल इंडस्ट्रियल जोन इकोनॉमिक जोन एनर्जी कॉरिडोर कहा

जिसे आप कह लीजिए हॉल ऑफ द पीपल कहते हैं शायद उसको जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये क्या है जहाँ इनका पार्लिमान हो okay. सादगी से ये लोग बैठते हैं तादाद बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल पाँच हज़ार से भी तज़। तब हमें पाँच हज़ार है पॉपुलेशन बहुत बड़ी है वहाँ पर चीन का पाँच साल मनसूबा जो है डिस्कस हो रहा है फाइव ईयर प्लान तो उस फाइव ईयर प्लान के अंदर मैं वही नाजरन को बताना चाह रहा था कि बेसिकली फाइव ईयर प्लान कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्रीज़ बनाते हैं जो जमहूरी ममालिक होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आवाम की उमंगों के मुताबिक तरक्याती मनसूबे जो हैं वक्ता फ़वकाता ख़ुद ब खुद लगाए जाते हैं और इनकी बड़ी दूरस्त जिसे आप कहते हैं दुरस्त नतज भी होते हैं और बड़े दूरंदेश होते हैं ये बनाने वाले अब आ, हमारे पार्लियामान के अंदर कितने लोग दूरंदेश और दूर आ, मतलब वो मैं कहूँगा कि दूरस्त नतज देखने वाले हैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें तालीम याफ्ता ही नहीं टू बी वेरी फ्रेंक तो दुरस्त नतज़ज क्या निकालेंगे अच्छा वो लोग आजकल अपने पाँच साल मनूबे में बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उसके अंदर वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट जो है नहीं रह जाएगा जिसे हम सी पेक के नाम से जानते हैं वो दे इरान भी आ गया। उस दे अभी भी मुझे एक फिल्म देखने का मौ, मौका मिला था क्राउचिंग टाइगर खूबसूरत नई वाली जो आई है मैं आपको हाँ आप देखिएगा जरूर आप बड़े मुतासर होंगे चीन की माजी के बारे में और उनके जो और अभी भी फारबिटन सिटी के बारे में भी हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज चल रही है पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली ये लोग हजार साल पहले भी कितने ज्यादा रिफाइंड थे अगर चीन तक लेकर जाए जी जी okay. हजार साल पहले भी ओहो जनाबे वाला आप इनकी तारीख देखिए आप दंग रह जाएंगे ये जैसे हम कहते हैं ना दीवारे चीन वॉल ऑफ चाइना इसके ऊपर जब आप चलते हैं ओपीएम वाला दौर जो था ये निसबतान माजी करीब की बात कर रहे हैं हम माजी करीब की बात कर रहे हैं दो तीन सौ साल पुरानी ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो जी जी, जी 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 जो आपने आर्ट ऑफ वॉर किताब पढ़ी होगी कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस की किताबें और उनके uh, जो या, या। अकवाल है, हैं वो पढ़े होंगे बात यह है कि चीन चीन सर बड़ा ही हमें चाहिए हम हम के के बारे में सीखें। अगर हम सर, के के बारे में में अगर बात कर रहे हैं मैं गुजारिश करूंगा हमारे से किन भी, किन से? हमारी हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा नाम हमारी पाकिस्तान ना किसी एक फर्द की है ना किसी एक शख्स

लेकिन वो शायद कुछ वजह से नहीं कर सके मैंने तब भी यकीन हुई लेकिन जिस तरह से उनको हुकूमत से निकाला गया उसके बाद उनका दिल टूट गया होगा दूसरी हुकूमत में फिर जहरी बात है वो लेवल ऑफ सिंसेरिटी बंदा नहीं दे सकता चाहे उसका दिल भी चाह रहा हो और तीसरी हुकूमत में तो हर चीज बंदा भूल भाग जाता है

यार बात 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 बहस नहीं अच्छा सर, तो एक एक सर 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 एक सर, एक, एक, एक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक चीज रह गई के मुताबिक इंटरनेशनल पॉलिसी रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है वो फिफ्टीन परसेंट गिरी है अगेन प्लीज लिसन टू बी इन लाइन विध इज डूइंग वेल मैं सिर्फ ये बताना चाहता था प्लस हमारे पास एक और चीज लाइन लाइन आई पी आर ने लिखा है जी जीएसपी प्लस जो हमें 2014 में मिला था उसके बाद एक्सपोर्ट्स का गिरना तो so, जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब साँग, जनाब सागडार साहब साँग, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्लीज अच्छा मैं एक और चीज भी बड़ी क्लियर कर दूं

एक वक्त के अंदर हुकूमत वक्त के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो वेलफेयर को भी देखे पॉलिटिक्स को भी देखे इकोनॉमिक्स को भी देखे बिजनेस को भी देखे फाइनेंस को भी देखे मैंने से आप कम देखे अपने आप को बहुत, बहुत कम देखे बहुत कम देखे और मैं स्टेटस को के बिल्कुल खिलाफ हूं बिल्कुल मैं इस हक में नहीं हूं कि रिश्तेदारों की हुकूमत बना ली जाए लेकिन

बैंक ऑफ जापान और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड और जो यूरोप यूरोप के बैंक जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं मोनिट्री ईजिंग कीज इट वो कहते हैं यार कि ठीक है यू नो डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेज़र्स वाली hmm. बात है इफ़ इट वर्क्स फाइन इट सो राजन साहब कुछ और कह रहे हैं सेइंग दैट फाइन यार अगर जरूरत है तो कर दो but so obviously people these are can two have different, a different views opinion. that came up in Actually, that. Let, uh, let me just clarify here that Christian Lagarde was previously, I think, a legislator in the French uh, I think the yes, French government, yeah. and I think she held an important position yeah. as well in the cabinet. If if I am I reading think it she right did, in yeah. the cabinet, I think she did. So uh, we we need to understand that in appointments, that people log like, I, I remember World Bank. that Paul Wolfowitz was yeah, at one yeah. time. Now he was he was a very key. Um, I would not say they have a in the United States they have a cabinet, but however. एक पॉल साहब की वही वो, वो बातें जिस क्लिप को बार बार चलाया जाता था जिसमें उन्होंने तारीफ की थी पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के अंदर तालीमी निज़ाम की अच्छा। तो याद होगा चौधरी परवेज लाई साहब कहना गलत हो जाएगा कि उनसे मेरा लेकिन उनका भी बड़ी अच्छी स्कीम थी पढ़ा लिखा पंजाब तो वो भी बहुत अच्छे उन्होंने काम किए पंजाब के लिए एक अच्छी चीज़ ये रही है कि पंजाब की हुकूमतों ने किसी न किसी तरीके से परफार्म करने की परफार्म सर ये, ये हमने कल हेडजप दिया था ऑन द पेट्रोल प्राइसेस कि हम ये इसको जो है अच्छा ना समझा जाए कि ये जो जो पढ़ाई और आ रहा है इट विल नॉट सस्टेन सो आज अखबार में ये खबर आ गई है कि इट्स नॉट हैपनिंग नहीं idea. लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा देखें असल में बात है कि दो एट वर्क होती हैं hmm. पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर मार्केट में आए तो बुल्स एंड बेयर्स स्टॉक मार्केट की भी यहां पर बात कर लेते हैं बात ये होती है बुल्स की ख्वाहिश होती है कि मार्केट ऊपर जाए बेयर्स की ये होती है कि वो पटक के नीचे आए मसला ये होता है कि दोनों इस ख्वाहिश के आ, मतलब इन दोनों की ख्वाहिश होती है पैसे कमाएं राइट right. चाहे बुल चाहे बुल हो या बियर हो खुराक के बगैर दोनों नहीं रह सकते uh -huh. तो हमें इस चीज़ को समझना है कि मार्केट गिरे या बढ़े uh -huh. दोनों सूरतों में कोई कोई ऐसे लोग कुछ ऐसे अनाज कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद होंगे जो नोटू कमाएंगे चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए ये right. मैं वैसे आपको बता रहा हूँ इसी तरह तेल की कीमत के अंदर भी देर देर ऑलवेज पीपल हु आर गोइंग टू गेन इवन द मार्केट इज गोइंग इन एनी डायरेक्शन तो हमारे लोग थोड़ा सा इसमें गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि सिंगल डायरेक्शन मार्केट के अंदर पैसा कमाया जाता है ऐसा बिल्कुल गलत है नाजरीन मैं आपको भी बता दूँ मार्केट सिर्फ ऊपर की सम जारी होती है अभी अगले दिन कोई मुझे कंटेस्ट कर रहा था कि जी आप डरेवेटिव नहीं पढ़ाते पढ़ाते भी हो ना कभी कभी तो डेरवेटि नहीं पढ़ाते तो मैंने उन्हें बताया डायरेवेटिव पाकिस्तान के अंदर ये है ही एक अलग फ्यूचर और क्या है हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है बाकी तो मनी मार्केट में आप चले गए ना ट नहीं करता क्योंकि ये, क्योंकि हमारे हैं। असल में क्या है फाइनेंस कि की, की किताबें जबरदस्ती बहुत पढ़वाई जाती हैं हमसे ठीक uh -huh. है हमने पढ़ ली अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पढ़ने वाला तालबिल उसको क्या फायदा कि वो बॉन्ड मार्केट के बारे में पढ़े जब पाकिस्तान के अंदर अभी मार्केट जो सी के नाम से ज्यादा हमारे टर्म फाइनेंस के नाम ज्यादा मकबूल है तो हमारे उससे क्या और गवर्नमेंट का बॉन्ड है bonds, हम तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से, से इसमें ऑपरेट करें इसमें जहाँ वैरायटी को आई एम आई थिंक दिस वन सेक्टर व्हिच इज व्हिच रियली कैन हेल्प द ऑफ पाकिस्तान द म्यूचुअल फंड्स जो कि पाकिस्तान में investing in the government papers if there is a mutual fund and government waha से हम लोगों से borrow करे public sector se to they no proper funds uh, no there is a huge organization they have like it has branches everywhere i shouldn't be taking the name right now lekin i usually do it the jisse uh, aapka uh, footprint wise to sabse bada mutual fund government ko to operate kar rahi hogi na is waqt to nahi wo to unka apna ho to nahi nahi yaar ab baby hai na aap ja ke le lo abhi mere sath chal ke wahan se unit नहीं that, वो है उस तरह की अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो सकी लेकिन देखो सबसे बड़ा फुटप्रिंट उनके पास है इसकी कोई बात नहीं लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ टी है तो यार म्यूचुअल फंड है ना बहुत बड़ा है ना बात असल में क्या है कि मैं मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ देखें सिर्फ वो एन नहीं है और भी बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं मेरे ख्याल से कुछ ऐसी होंगी मुझे अभी सही से पता नहीं लेकिन सब्सिडियज का कोई रिलेशन गवर्मेंट से कहीं ना कहीं जरूर बन जाएगा कहीं ना कहीं से बिल वास्ता बिला वास्ता लेकिन मसला असल में ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं मसला ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक एग्जिस्ट करती है फ्लरिश कर सकती है पाकिस्तान के अंदर लेकिन हमने मनी मार्केट के पीछे क्यों लग गई यार म्यूचुअल फंड आप मुझे बताओ मनी मार्केट एक बावेला एक तो ये बत्ती के पीछे लग के भागने वाला जो एक हमारे यहाँ फैशन है ना शायद आफ्रदी आ गया हाँ, हाँ, आ गया वाह वाह नहीं, हाँ, 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 हाँ। नहीं ये जो हम लोग बात तो सुनने एक जुमला तो मुझे बोलना आपको बोलना ही नहीं देते मुझे मुझे सर ये कहना है कि देखिए असल में बात यह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपके मुल्क के अंदर फ्लरी जरूर होगी लेकिन आपने गलत समत इख्तियार की इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया जब इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो आपने मनी मार्केट वालों को वो रिटर्न दे सकोगे जो आपने पहले प्रॉमिस तो किया अब आया ना नीचे पहले तो नहीं आया ना सर तो अब आपने इन्वेंट जब तक आप पहुंच असल में क्या है कि हम लेट लतीफ हैं जब तक हम जहां पहुंचते हैं खाना खत्म हो जाता है हम वलीमे पर पहुंचते हैं तो बिरयानी खत्म हो चुकी होती है हमने जहां पहुंचना है देर से पहुंचना है ताकि हमें कुछ भी ना मिले हम आईटी सेक्टर के अंदर तब घुसेंगे जब सारी दुनिया उस पर से गोश्त उतार चुकी होगी हम हड्डियाँ और छिछड़े खा के खुश हो रहे होंगे वाह वाह बड़ा बहुत जबरदस्त सर हमने क्यों ऐसा काम करना है आप जब एक अकलमंद आदमी है वो जानता है कि यार कभी ना कभी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा सारी जिंदगी चौदह सोलह परसेंट नहीं आएगा आप सारी मार्केट को क्यों बेवकूफ बना रहे और खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हो तो सर आम عوام के लिए आमम की फलाओ वैभव रेट वाइज तो आजकल तो खैर दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड आई नेगेटिव रेट्स की बात चल रही है तो वो तो ऐसा फिनोमेना इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड बट इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई थिंक मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट शुड डू अ लॉट सर गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर दे डूइंग सर दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ यार उस पे तो आप उसको यू कैन मैं उसकी बात कर रहा हूं एज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट अब तारीफ कर दी तो अब और भी कर दो तारीफ दे गिव गुड रिटर्न आल्सो लेट्स बी वेरी फ्रैंक यार की मार्केटिंग नहीं कर सकते लेकिन बात यह उनके सर्वरा भी आए थे एकदम हमने इंटरव्यू भी किया था वेरी गुड बट देर गिविंग रिटर्न बाई वर्च्यो लेट्सेंट रिटर्न दे हैड बीन गिविंग गुड डिसबल टू डू दैट इफ दैपिटल मार्केट गोज डाउन टूमारो

और अगले हफ्ते तक सरम नोटू वहीं लगाए ना देखो नाम लेने नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा बात यह है कि आपने उसका रेट गिरा दिया जिसने कमाने होते हैं वो अपने पैसे कमा चुका होता है अभी आपको खुद ही पता है ना नाम किसी के लेने किसी की भी नाम लेने की जरूरत नहीं रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्लरिशिंग और जबरदस्त इंडस्ट्री क्यों है क्योंकि एनी पर्सन डम एज अ डम एज अ रॉक कैन पुट इज मनी इन रियल एस्टेट एंड अर्न मनी That is not the way to invest in real estate, that's not the 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 way way to to invest invest in 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 real real estate. estate. no awareness of the, uh, you know the capital market Pakistan. हाँ। सिर्फ दो लाख पैंतीस हजार इन्वेस्टर्स हैं सर आपके हाँ। स्टॉक मार्केट में है। सिर्फ अरे ट्रेड करते हैं उसके अंदर तो। ये तो हाल आपकी कैपिटल मार्केट का बट इट कम्स टू म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स मार्केट वो तो hmm. और ही बिल्कुल बुरा हाल है बहुत ही कम है बिकॉज पीपल डोंट नो द बेनिफिट तो म्यूचुअल फंड्स में जो है लोगों को यही नहीं पता कि दे गेट टू इन्वेस्ट इन टू अ दैट देयर जो बैलेंस करने वाला जो एक्ट होता है hmm. ना कि वन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू नीड टू नो कि इधर करूँगा तो इससे ये जो है मेरा इक्विटी में करूंगा मनी मार्केट में करूंगा इधर से मुझे जो है हाई hmm. रिटर्न मिल जाएगा ये लो रिस्क है तो लो रिटर्न आएगा सो इन अ म्यूचुअल फंड ऑलरेडी

फिर प्रॉपर्टी मार्केट डर कर जाती है रियल रे, एस्टेट की मार्केट स्टेगनेट कर जाती है लोग समझते हैं कीमतें नीचे नहीं आ रही लेकिन 2008 तक प्रॉपर्टी मार्केट स्टेगनेट रहती है कीमतें नहीं बढ़ती है। बायर नहीं हैं ठीक है वो, तो तकरीबन हम देखते हैं वो ढाई करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो अपनी जगह शायद कायम रहे लेकिन उसके बायर उस वक्त मौजूद नहीं दो के बाद आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिरती है ठीक है दो में वही ढाई करोड़ की प्रॉपर्टी जो है आधो आध हो जाती आद लें या एक करोड़ की जैसे मैं मैं वैसे बात करूं। अभी मैं सिर्फ आपको मैथमेटिक्स करके वही प्रॉपर्टी 2011 में क्लाइम करती है करोड़ की हो जाती है। सर आप देख रहे हैं, मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूं दो हजार पांच में आ, क्या हो surprise, रही उसकी बुकिंग आती है अस्सी लाख रुपए में एक करोड़ बीस लाख रुपए में

लोगों ने कहा दुबई की रियल एस्टेट हिट नहीं होगी अगस्त सितंबर की बात है है ना अब क्या कि सारी दुनिया हर्ट हुई दुबई हर्ट नहीं हुई लोग समझे दुबई के अंदर अभी सस्टेन कर, आ आ कर दिया। यही बात है ना लोगों ने पैसा लगा दिया अब so you क्या है कि कुछ अरसे के बाद हमने देखा दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट जो और नीचे चले आई थी वो एकदम वही वही मैंने बिल्कुल एकदम नीचे आई थी ठीक है अब वो नीचे आ गई अब उसके बाद आई आई वाज वाज देयर एट दैट टाइम एम अ विटनेस टू इट इट पीपल वर क्राइंग क्राइंग कि क्या ना? हो गया यार और ये पाकिस्तानी जो थे सारे जो हमारे अपने हमवतन है इन्होंने पैसा वहां बहुत लगाया था खैर इस बारे में इस दास्तान के बारे में और बातें जरूर होंगी लेकिन तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया पूछ सर यू विल गेट द आंसर हां मैं आपको जरूर <laughs> पूछूंगा क्यों नहीं पूछूंगा भाई आप मेरे साथ बैठे होते हैं हर वक्त मैं आपसे पूछ लेता हूं यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मुतार आपके पैगामों के जो हैं वो हम मुंतजर रहते हैं तारीफें जरूर भेजें शिकायतें भी कोई बात नहीं भेज दें कोई अली की तारीफ़ मेरी हाँ इनकी तारीफ भेज दें कोई मसला नहीं और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है अली नासिर को जुनेद गुल को हमारी टीम को जाती है अल्लाह हाफिज़